नौगांव से इस वक्त खबर सामने आ रही है। नौगांव बीएमओ के द्वारा अपने जन्मदिन के उपलक्ष्य में एक अनोखा उदाहरण देखने के लिए मिला है। नौगांव बीएमओ रविंद्र पटेल के द्वारा अपने जन्मदिन के उपलक्ष्य में 7 बच्चियों को गोद लिया गया और उनकी एफडी करवाई गई। बीएमओ का कहना था कि जैसे कि शासन बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान चला रही है, उसी प्रकार हमें भी बेटियों के प्रति जागरूक होना चाहिए और संकल्प लेना चाहिए। इसी उद्देश्य को पूरा करते हुए उन्होंने 7 बच्चियों की एफडी करवाई। मैं अंजलि सक्सेना, लायनेस क्लब अध्यक्ष। जब मुझे ये जानकारी लगी कि डॉक्टर साहब ने अपने जन्मदिन पे इतना अच्छा कार्य किया है तो मुझे बहुत खुशी हुई, और मैं चाहती हूँ कि जागरूक लोग को भी ऐसे आगे आना चाहिए कि जिससे लड़कियों को बढ़ावा मिल सके और उनका भविष्य उज्ज्वल हो, और हम लोग भी जितना हो सके आगे प्रयास करेंगे कि लड़कियाँ और भी आगे से आगे पढ़ाई कर सके और अपने यहाँ नौगांव का नाम रोशन कर सके। धन्यवाद। सभी लोग नौ वर्ष से मनाते हैं तो विचार में आया जन्मदिन था तो मैडम को विचार आया कि इस बार होटल या पार्टी ना करके ब्लॉक में जो भी बच्चियां पैदा हुई हैं पूरे ब्लॉक में उनके नाम कुछ एफडी करके, हालांकि शासन की योजना लाडली चलती है, इसके साथ साथ 18 वर्ष के लिए मेरे द्वारा एक छोटी सी एफडी 2100 रुपये प्रति बच्ची के हिसाब से 18 वर्ष के लिए बनवा दी गई। कितनी बच्चियों की थी? 7 बच्चियों ने जन्म लिया था हमारे ब्लॉक में, जिसमें नौगांव में 3, महाराजपुर में 2 और हरपालपुर में 2 बच्चों का जन्म हुआ था 1 जनवरी को। भ्रूण हत्या कराने वाले और बच्चियों को महत्व ना देने वाले, जन्म से परेशान होने वाले, क्या संदेश दिया? ये भी था कि आज के जमाने में अभी भी सोच बदली नहीं है,